यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए कितना मददगार होगा यह फार्मूला, मायावती के चुनावी इस दांव में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक मंच के सभी प्यारे श्रोता बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस खबर में हम जानेंगे कि मायावती का वो चुनावी दांव कौन सा है जो निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं। बसपा निकाय चुनाव में 39 साल पुराने फार्मूले को अपनाकर जमीनी स्थिति का आकलन करने जा रही है। पार्टी की स्थापना के समय 1984 में कांसीराम ने जो फार्मूला अपनाया था, बसपा उस पर वापस आ रही है। इसी को आधार बनाकर निकाय चुनाव में उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती दलितों के साथ ओबीसी और मुस्लिमों को टिकट देकर यहां आंकने में लगी है कि पुराना फार्मूला कितना कारगर होगा। निकाय चुनाव के बाद देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। बसपा को लगातार कई चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। मायावती स्वीप स्थिति से पार्टी को उबारा चाहती है। बसपा वर्ष 2007 में सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर विधानसभा का चुनाव लड़कर सत्ता में आई। इसके बाद दलित और ओबीसी के साथ खासकर ब्राह्मणों को पार्टी में खासा तरजीह दी गई, लेकिन इसके बाद यह फार्मूला कारगर साबित नहीं हुआ। बसपा का जनाधार धीरे धीरे खिसकने लगा, इसीलिए बसपा अपने पुराने फार्मूले को निकाय चुनाव में अपना रही है। इस चुनाव में दलित ओबीसी के साथ मुस्लिम को टिकट देने में खासा तरजीह दी जा रही है। चुनाव परिणाम के बाद अगर यह सफल रहा तो लोकसभा चुनाव में भी इसको अपनाया जाएगा। वैसे तो निकाय चुनाव में बसपा का कोई खास असर नहीं रहा है, लेकिन वर्ष 2017 के चुनाव में उसने सभी को चौंकाया। मेयर की सीटों पर वैसे तो भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन मेरठ और अलीगढ़ सीट को जीतकर उसने सभी को चौंकाया था। अलीगढ़ में बसपा को 41% और मेरठ में 43.61% वोट मिले थे। बसपा इसलिए यह चुनाव मजबूती से नए फार्मूले पर लड़ रही है। निकाय चुनाव में बसपा की स्थिति नगर निगम वर्ष 2000 में 17.25 रहा, 2006 में 17.21 रहा, 2012 में सिंबल नहीं दिया, 2017 में 12.05 स्थिति रही। तो वहीं निकाय चुनाव में बसपा की स्थिति पालिका परिषद की बात कर ली तो वर्ष 2000 में 18.40%, 2006 में 18.40%, 2012 में सिंबल नहीं दिया गया, 2017 में 14.65% रहा। तो ही निकाय चुनाव में बसपा की स्थिति नगर पंचायत की बात कर लें तो वर्ष 2000 में 14.70% रहा, 2006 में 14.07% रहा, 2012 में सिंबल नहीं दिया गया और 2017 में 10.27% रहा। तो यानी कि बहुजन समाज पार्टी निकाय चुनाव में 39 साल पुराने फार्मूले को अपनाकर जमीनी स्थिति का आकलन करने जा रही है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है और बसपा को फायदा, समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है और बसपा को फायदा हो सकता है, या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है बसपा को फायदा हो सकता है? प्रतिक्रिया अपनी साझा जरूर करिएगा।